Hello, welcome to our program, Face to Face, Episode 6. Ittfakhan, episode 6. Hum Today is 1st January 2022. So first of all, let us bid goodbye to 2021, which, especially in the second half, was Quite exciting for us. We were quite active with some of our programs, especially the programs under Vinod Pandey Infotainment, like Four Fingers Formula and Journey. And Boye ki Hamara program It was it was a web series called Obsessions. Yoki nearly two episodes. पेंडेमिक आ गया था और हमें रुकना पड़ा था और बार बार जब हम शुरू करने की सोचते थे तो रुकावटें आ जाती थीं वो हम दिसंबर में उसकी शूटिंग फिर से शुरू कर सके तो अब मैं जब ये पहली जनवरी का दिन है 2022 में सबसे पहले तो एक बात जो मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूँ दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑफरिंग साझा सिनेमा सारे सिनेमा का कॉन्सेप्ट हमने वीम्यो पर शुरू किया था क्योंकि एक हमारी फिल्म अंडरटेकर एम एक्स प्लेयर पर लगी थी लेकिन महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि वहाँ उसे रुक जाना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ अजीब रेगुलेशंस कायदे आ गए जिनके तहत सारे प्रोग्राम्स को फिर से जज किया जाना ज़रूरी था और हमारा प्रोग्राम भी हमारी फिल्म भी उसकी चपेट में आ गई लेट मी रिमाइंड यू और टेक यू बैक देर वॉज एन एपिसोड ऑफ जर्नी जिसकी थीम थी द एंड स्टोरी तो मेरी जो फिल्म थी अंडरटेकर उसके साथ कुछ चीटी की कहानी जैसी बात हो गई एंडस स्टोरी की बात हो गई कि चीटी एक शुगर का ढेला लेकर चढ़ती है चढ़ नहीं पाती गिर जाती है फिर चढ़ती है फिर फिसल जाती है और फिर चढ़ती है और एक स्टेज आती है वो निकल जाती है तो हम कुछ उसी भावना से कुछ उसी सूरत हाल को फेस करते हुए साझा सिनेमा एक प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है उसमें हम अपनी फिल्म अंडरटेकर लगाएंगे वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साजा सिनेमा क्योंकि यह भारतवर्ष में दिखाया जाने वाला है तो वो बताना जरूरी है साजा सिनेमा का कॉन्सेप्ट हमारे मन के बहुत नजदीक है बहुत करीब है साझा सिनेमा का कॉन्सेप्ट साझा सिनेमा की का जो प्लेटफॉर्म है वो हमने इंडी फिल्म इंडी फिल्म मेकरस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सहूलियत देने के पॉइंट से शुरू किया है इंडी फिल्म मेकर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं खुद एक इंडी फिल्म मेकर हूँ मैं कम से कम सात फिल्में अपने पैसे से बना चुका हूं जब मार्केट का पैसा नहीं मिलता और वो अक्सर नहीं मिलता और खासतौर पर तब नहीं मिलता जब आपके पास थोड़े से भी नाम वाले स्टार्स ना हो या कोई बहुत ही कमर्शियल टाइप की सब्जेक्ट ना हो तो ना तो आपको आसानी से फाइनेंस मिलता है ना डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तो ऐसी हालत में अगर आप किसी तरह से फिल्म बना भी लें तो आपको कोई प्लेटफॉर्म लिफ्ट नहीं देता आपको अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देता क्योंकि आपके पास अट्रैक्ट करने वाली चीज़ यानि स्टार्स या एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं होता तो आपको काफ़ी अवरोध काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और लोग क्योंकि आपका बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं है तो लोग देख नहीं पाते तो हमने एक चीटी की तरह हार नहीं मानी हमने कहा चलो एक दूसरा प्रयास करते हैं तो हमने अपने आप को अपनी जगह बनाया बना कर दी और ये जगह है साझा सिनेमा ये मेरे जैसे लोगों के लिए होगा जिन्हें अभी भी पैशन है अपनी चीज़ों के बारे में अपने सब्जेक्ट्स के बारे में और जो उसके लिए एक तरह का रिस्क भी उठाते हैं अपने बड़ी मेहनत से जोड़े हुए धन को लगाते हैं कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ दोस्तों को समझाकर कम पैसे में काम करने के लिए तैयार कराकर पर इसकी खूबी ये होती है इनवेरिएबली इंडी फिल्म बहुत गहरी होती हैं बहुत रिच होती हैं सब्जेक्ट मैटर पे उनमें बहुत बात होती है और वो एक तरह से उस तरह का सिनेमा हम ला रहे हैं जैसा सिक्सटीज में होता था कुछ डायरेक्टर उस जमाने के जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते थे विमल रॉय गुरुदत्त हमिया चक्रवर्ती ऐसे डायरेक्टर्स की फिल्में जो भूले नहीं भूलती जिनमें आज भी एक एक पुख्ती है उस तरह की फिल्में जो अब बन रही हैं आज के टेक्निक से बन रही हैं पर बात उनमें गहरी है हम ऐसी फिल्मों को सोर्स करेंगे और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लाएंगे साजा सिनेमा डॉट कॉम और इन स्मॉल लेटर्स साजा सुनो एस डबल ए जे एच ए सी आई एन ई एम ए डॉट कॉम अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा एज आई साइड इट इज फॉर इंडी फिल्म एंड इट इज एन इनिशियटिव स्टार्टेड बाई आवर कंपनी विद योर ब्लेसिंग्स दैट इज विनोद पांड्या एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुरू किया गया है ये ऑलरेडी ऑन हो चुका है लेकिन ऑफिशियली साझा सिनेमा ऑफिशियली सात जनवरी 2022 से शुरू होगा टिकट हमने बहुत कम रखी है इट इज मॉड्यूल ऑफ वीडियो ऑन डिमांड आप पूरे एक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की जगह आप जो फिल्म देखेंगे उसी के पैसे भरेंगे हमने टिकट रखा है फोर्टी नाइन रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। सेवेंटी टू आवर्स बहत्तर घंटे के लिए हमारी फिल्म आपके पास होगी आप उसे देखते रह सकते हैं बहत्तर घंटे के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगी जर्नी के ही एक वीडियो में हमने एक बात कही थी जोर दिया था एक बात पर कि लाइफ में जब आप जिस चीज में विश्वास रखते हैं तो उसके प्रति ऑब्सटेनेट होना पड़ता है पर नम्रता के साथ विनम्रता के साथ विथ ह्यूमिलिटी तो एक तरह से साझा सिनेमा हमारे उसी जज्बे का एक एक्सप्रेशन है हमारी ऑस्ट्रीनेसी या इसे विश्वास कह दीजिए बिलीफ कह दीजिए हमारी क्रिएटिविटी के बारे में बट विद ह्यूमिलिटी विनम्रता के साथ अगर आप अच्छे सिनेमा में विश्वास रखते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आप हमें आशीर्वाद देंगे अगर एक टिकट आप खरीदेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर लोग थिएटर को प्रोत्साहन देते हैं रिसाइटल्स को म्यूजिक के प्रोत्साहन देते हैं डांसेस को क्लासिकल डांसेस को प्रोत्साहन देते हैं इसी तरह से इस छोटी सी राशि से फोर्टी नाइन रुपीज से आप एक ऐसे प्रयत्न ऐसे प्रयास ऐसे सामूहिक प्रयास को बल देंगे जो अच्छा सिनेमा लाना चाहता है अच्छे सिनेमा को गहरे सिनेमा को और साथ ही मनोरंजक सिनेमा को जिंदा रखना चाहता है ऐसा प्लेटफॉर्म है साझा सिनेमा तो मेरी आपसे दरखास्त है प्लीज़ आइए क्लिक कीजिए और देखिए हमारी फिल्म हमने क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है तो हमने पहले अपनी ही दो फिल्में लगाई हैं एक अंडरटेकर और अंडरटेकर की अगर मैं कह सकूं अपने आप जिन्होंने देखा है इसे बहुत सराहना की है बहुत तारीफ की है बहुत चाहा है इस फिल्म को और इसी तरह से सिंस की भी बहुत प्रशंसा हुई है वो अंग्रेजी में है इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है सब चुनौतीपूर्ण यू नो स्टोरी मटेरियल पर हैं आपको अच्छा लगेगा आप एक अच्छे सिनेमा को बल देंगे अगर आप जुड़ेंगे हमारे साथ फोर्टी नाइन रुपीज एक फिल्म के लिए पे करके इसके अलावा हम अपना एक प्रोग्राम जो हमने 2021 में शुरू किया था फिल्म एसेंस जिसमें हम खोज करके ऐसी फिल्में लाते थे जो कहीं खो गई पर उनमें गहरी बात थी और उनका उनके ऊपर एक तरह का हम डिस्कशन प्रेजेंट करते थे मैं और मधु श्रीवास्तव जी करते थे वो भी हम कायम रखेंगे पर एक चीज़ हम ज़रूर कर रहे हैं इस बार फिल्म एसेंस एक एपिसोड खुद हमारी फिल्म अंडरटेकर के बारे में होगा क्योंकि लोगों का विश्वास है कि जो छोटी फिल्म होती है और छोटा प्लेटफॉर्म होता है और जिन्हें जिस पर बहुत बड़े साधन नहीं हैं उसके बारे में हमें खुद ही तो बोलना पड़ेगा अपने बारे में कैसे कोई हमारे हमारी चीज़ को हमारी प्रेजेंटेशन को हमारी ऑफरिंग को देखेगा या उसे लाइक करेगा जब तक हम खुद उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे नहीं पर इस फिल्म एसेंस प्रोग्राम में मैं खुद हिस्सा नहीं लूंगा दूसरे लोग इसमें हिस्सा लेंगे जो फिल्म के समीक्षक हैं फिल्म की गहराई को समझते हैं इसी तरह से एक और प्रोग्राम थोड़ी सी मोहब्बत थोड़ी सी शरारत भी आपको 2021 में पेश किया जाएगा जो कि एक पॉडकास्ट होगा पसंद आएगा आपको और ऑब्सेशंस तो आपके सामने आएगा ही उस पर काम चल रहा है शूटिंगें शुरू हो गई हैं और इसी तरह से मेरा एक और वर्टिकल मेरा नावल तीसरा नावल मिनिस्टर्स मिस्ट्रेस वो भी अब प्रकाशन में जा रहा है उसको हम खुद ही प्रकाशित करेंगे हमने ये जाना है कि दुनिया की जो भाग दौड़ है दौड़ धूप है जिसमें बहुत धन भी खर्च करना पड़ता है उसमें अपने ही कदमों पर खड़े हों तो बेहतर रहता है इसलिए हम मेरे तीसरे नावल को हम खुद पब्लिश करेंगे दूसरे किसी पब्लिशर को जैसा कि पहले दो नावलों में डॉन्स वाइफ और सावरी द स्टोरी ऑफ ए कॉन्क्यू वाइन में किया था वो नहीं होगा ये नावल हम खुद प्रकाशित करने जा रहे हैं हमारा एक और प्रोग्राम हरजिल अजीज उस पर भी काम शुरू हो गया है आगे के एपिसोड आपके सामने आएंगे और इसके अलावा विनोद पांडे इंफोटेनमेंट में फोर फिंगर्स फॉर्मूला और जर्नी आपके सामने आते रहेंगे यात्रा कायम रहेगी अस विश दैट इट्स ए ब्यूटीफुल जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस हम आपको अच्छा मनोरंजन अच्छे प्रोग्राम देते रह सकें इसी आशीर्वाद की चाह के साथ आज का फेस टू फेस समाप्त करता हूँ थैंक यू वेरी मच